मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध लड़ रहा इजराइल इस वक्त एक बड़े संकट के दहलीज पर खड़ा है। बीते करीब एक साल से इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार एक तरफ गाजा में हमास के आतंकियों से युद्ध लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार अब लेबनान में हिजबुल्ला से जंग लड़ी जा रही है। इन सब के बीच ईरान ने इजरायल पर जिस तरीके से 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला, उसके बाद अभी भी इजरायल के जवाबी हमले का पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वाकई में इजरायल की स्थिति इस लायक नहीं है कि वो ईरान पर हमला बोल सके, क्योंकि बड़ी संख्या में इजरायल में अब सैन्य उपकरणों की कमी जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि इजरायल बीते एक साल से लगातार युद्ध लड़ रहा है, वो एक जंग जो है वो नॉर्थ के अपने हिस्से में लड़ रहा है और दूसरी जंग की शुरुआत दक्षिण के हिस्से में हो चुकी है। ऐसे में जो तमाम अत्याधुनिक उपकरण हैं और जो तमाम ऐसे उपकरण हैं जिनके ज़रिए वो दूसरे देशों से जो हमले उन पर किए जा रहे हैं, खासतौर पर हमास की तरफ से और हिजबुल्ला की तरफ से और ईरान की तरफ से, उन हमलों को रोकने के लिए जो तमाम तकनीक है उनमें भी भारी कमी आ रही है। और इजराइल अपने युद्ध उपकरणों के लिए यूरोप और साथ साथ अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, लेकिन ये युद्ध जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और मिडिल ईस्ट इस पूरे युद्ध से जिस तरीके से प्रभावित हुआ है और इसकी आँच यूरोप तक भी पहुँचती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा उठता हुआ नज़र आया है, और ऐसे में जो बाइडेन की सरकार है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी होती नज़र आई है, तो अब बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने भी इसराइल को लगातार युद्ध के लिए हथियार देने से अपने हाथ जो है कुछ समय के लिए पीछे खींचने का फैसला लिया है। इसकी एक बड़ी वजह तो वो बनी कि जो फिलिस्तीन को मानवीय सहायता दी जानी थी उन तमाम सहायताओं वाले ट्रकों को राफा क्रॉसिंग पर इसराइल ने रोक रखा है, जिसको लेकर अमेरिका ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर एक महीने के भीतर सभी जो मानवीय एड्स है वो नहीं पहुंचाई गई तो जो वॉर वेपन्स है उसकी सप्लाई अमेरिका रोक सकता है। ऐसे में अब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए स्थितियां जो है वो बेहद गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल में लगातार बड़ी संख्या में उन तमाम बंधकों के परिवार वालों के दबाव का सामना कर रहे हैं जिनके परिजन अभी भी एक साल के बाद भी हमास के कब्जे में शामिल हैं और उन्हें इसराइल सकुशल छुड़ा नहीं पाया है। युद्ध विराम को लेकर तमाम प्रयासों को इसराइल ने धता बताते हुए लगातार गाजा में हमले जो है वो जारी रखे हैं, और अब जिस तरीके से लेबनान पर भी हमला लगातार इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से किया जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में इसराइल के लिए मुसीबतें और बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और इसराइल डिफेंस फोर्स क्या अपनी युद्ध रणनीति में नीति में कोई बदलाव करती है या फिर इसी तीव्र गति से युद्ध जो है वो नजर आता है।